तो दिस इज नाउ डे 6 आई गेस। हम भूल ही गए हैं इतने दिन में कि कौन सा डे चल रहा है। मैडम अपनी बेटी के साथ कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम। दिस इज नॉट आज गाइस, कल रात की पार्टी थी वो है। सुबह यहाँ सुबह पे मैं पी कल नहीं रही हूँ। सुबह सुबह नहीं पीती मैडम, रात को भी मैंने नहीं पिया। रात को भी नहीं पीती है। यहाँ पे रात को पार्टी की है, हम सब ने थोड़ा सा ज़्यादा गंद मचा दी है। दिस इज होटल सिल्क रूट इन ले, इनका कैफेरिया इज लाइक इट्स लाइक वेरी इट्स वेरी कूल। यहाँ पे कल जुबिन आया था, जुबिन नौटियाल। हाँ कल यहाँ पे हमारे साथ जुबिन नौटियाल था। ही वॉज ओवर हियर, है वो उत्तराखंड से लेकिन यहाँ पे वो रहने के लिए आया हुआ था। ही स्टिल इन ले, हमारी बात भी हुई उससे, पर हम फुटेज कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था उस टाइम पे। यहाँ पे सर में कल पार्टी चल रही थी। सो दीज आर लाइक अ क्रू ऑफ 13 कार्स। यहाँ पे हमारी गाड़ी भी खड़ी है। ये सारा एक काफिला है जो आज पैंगोंग के लिए जाएगा। तो इनसे हमारी बात हुई है, हम भी इनको ज्वाइन करने का सोच रहे हैं जो कि अभी प्लान नहीं है। सारी SUVs हैं और हमारी भी SUV है। यहाँ पे रेयरेस्ट हमने MG Hector देखी है और ऑटोमेटिक में तो बिल्कुल नहीं देखी है। कोई अगर लाया है MG Hector तो मैनुअल में लेकर आए। हमारे में ज़्यादा दम है, हम ऑटोमेटिक ले आए हैं। यहाँ पे हम जो होगा देखा जाएगा। तो आज हम जा रहे हैं पैंगोंग के लिए। उसके बाद का हमने कोई प्लान आउट नहीं किया है, उसके बाद का हम प्लान उसके आगे ही करेंगे। शायद नुब्रा वैली जाएंगे, कुछ प्लान नहीं है। तो पहले हम पैंगोंग का सोचेंगे, उसके बाद पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ, उसके बाद हम आगे का प्लान आउट करेंगे। सुनने में आया कि वहाँ पर नेटवर्क्स भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BSNL चलता है, एयरटेल का पोस्टपेड भी नहीं चलता है। अब लेट्स सी, मैडम पता नहीं वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे वहाँ पर, इसलिए मैडम अभी अपना सारा काम कंप्लीट कर रही हैं। क्यों टिनी मिश्रा लगी पड़ी है मैडम, अपने अपने एम्प्लॉयज़ को काम देने में लगी पड़ी है, बेचारों का काम बढ़ा रही है। मत करो यार ऐसे, जीने दो उनको भी। चलो अब हम मिलते हैं रास्ते में टूवर्ड्स पैंगोंग। हम होने जा रहे हैं रेडी, तो करेंगे पार्टी। हम लोग यहाँ सब निकल चुके हैं फॉर पैंगोंग। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी की हालत देख लो यार एक बार, कोई बोलेगा नई गाड़ी है, 6 महीने पुरानी गाड़ी है। अब मैसेज आपको पसंद आ गए मेरे बूट्स, आपको भी आएंगे। मैसी यहाँ पे अपनी शॉपिंग करने आया बूट्स की। मैसी को चाहिए बूट्स, कॉपी कैट, कॉपी डॉग। मैसी भाई आर यू नॉट वेयरिंग मास्क? मतलब ये पहले पड़ेगा आई थिंक, क्या थ्री इडियट्स पहले पड़ेगा, पैंगोंग पड़ेगा एंड देन थ्री इडियट्स। इट्स अ वेरी बिग वास्ट लेक, तो उसके आसपास का टोटल डिस्टेंस ही 60-70 किलोमीटर के करीब का है अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाना है। बट द मेन पॉइंट इज कि
जो रास्ता है फ्रॉम ले टू पैंगोंग इज 158 किलोमीटर्स एंड 158 किलोमीटर्स वन साइड. देन आपका जो रास्ता है वो सारा चढ़ाई है, सारा पहाड़ है और बहुत बुरी कंडीशन है रोड की. है जो भी आपको दिख रही है रोड, ये तो परफेक्ट है, फिर भी बहुत अच्छी रोड है. अभी जो रोड गई है दैट वाज पैथेटिक पैथेटिक. अभी आने वाली है, वी आर श्योर, तब हम शूट कर लेंगे. बिल्कुल. यहाँ की रोड्स में आप देखेंगे अगर तो गाड़ियाँ प्रेशर ही नहीं दे पा रही, गाड़ी पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रही है. अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एसयूवीज फेल हो रही हैं. कल जो हमारे साथ टीम थी वहाँ पे रुकी हुई, वो उनकी एक जीप कंपास फेल हो गई, एक क्रेटा का एक थार का टर्बो फेल हो गया. तो ये कंडीशन है यहाँ पे रोड की एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स. तो जहाँ जहाँ पे आपको आर्मी कैंप्स दिखेंगे वहाँ वहाँ पे आपको प्रॉपर रोड्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको कहीं पे भी रोड नहीं मिलेगी अच्छे से, साफ सुथरी रोड नहीं मिलेगी अदरवाइज. लेकिन देखा जाएगा तो व्यू पॉइंट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, सामने स्नो क्लैडिंग माउंटेन है, सब अच्छा है, सब सुंदर है. बस रोड का जो ट्रिप है वो बड़ा ख़तरनाक है. अगर आपको अपनी गाड़ी से प्यार है तो फ्लाइट से आओ. बिल्कुल. अगर गाड़ी से सच में प्यार है तो फ्लाइट से आओ. ये देख रहे हो ये चीजें आपको रात को दिखेंगी भी नहीं. रात को तो बिल्कुल नहीं. रात को ट्रैवल करना इज अ बिग नो नो. इट्स अ बिग नो. कोई इस चीज को नहीं रिकमेंड करेगा कि आप रात को ड्राइव करो इन वाले पहाड़ों पे. मतलब ले तक, पैंगोंग से ले तक और ले से लेके मनाली तक का रास्ता इज वन ऑफ द वर्स्ट रूट जो मैंने आज तक लाइफ में अपने देखा है. कोई रास्ता ही नहीं है मेन पॉइंट ले तक, मनाली से ले के रास्ते में कुछ ऐसे 15-20 किलोमीटर है जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है. आपको खुद बनाना है अपना रास्ता, मतलब ऑफ रोड. अरे भैया, ऑफ रोडिंग का भी एक तरीका होता है, वो तरीका नहीं है. जो जहाँ से जा रहे हैं वो वहाँ से जा रहे हैं, दूर एक दिख रही है रोड है वहाँ तक पहुँचना है, कैसे भी पहुँच जाओ. ऐसे चलता है यहाँ पर हिसाब किताब. बाकी ये हमारा रास्ता पैंगोंग का ले से. सो आई थिंक हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, चांगला पास. चांगला पास में 2 किलोमीटर. टच हुआ है गाड़ी के नीचे. गाड़ी टच हुई है. इतनी हाइट एसयूवी लेके घूम रहे हैं हम लोग, फिर भी नीचे पत्थर टच हो रहे हैं. यहाँ पे गाड़ी नहीं बाइकें भी नहीं चल पा रही हैं ऊपर. अभी बाइक वालों से हमारी बात हुई, वो भी यही कह रहे हैं रेस पकड़ ही नहीं रही है बाइक, क्योंकि हाइट कंटिन्यूसली बहुत देर तक आपको चढ़ानी है गाड़ी, वो भी 45 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट में, जहाँ पे रेस्टिंग फेज होता है गाड़ी का वो आ ही नहीं रहा है कहीं से, कि गाड़ी को इतनी चढ़ाई की है उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट मिला गाड़ी को या गियर को, वो मिल ही नहीं रहा है. वो 45 डिग्री के एंगल पे कंटिन्यूसली 8-10 मिनट तक तुम्हें चढ़ानी है गाड़ी, और इतनी पावर गाड़ी में होती नहीं है ना बाइक में होती है. इसीलिए यहीं पे 4x4 काम आती है जब आपके चारों टायर चलने शुरू होते हैं. सो वी हैव स्टॉप्ड एट चांगला पास नाउ. सबकी हालत तो रखी है ख़राब, सबको आ रही है वॉमिटिंग, सबके सर दर्द हो रहा है. क्या हो गया? क्या हुआ? आ जाओ. ये क्या तरीका हुआ आने का? आओ. कम कम. क्या हुआ? पैर फंस गया. पकड़ने इसको ऊपर. इसको पकड़ो. इसको पकड़ो. अरे इसके पैर फंसे हुए भाई. कम
लौट ना ले देख के। सो डॉगी फंस गया था, निकाल दिया उसको हमने, पता नहीं कहाँ भागा वो। या सो नाउ दिस इज चांगला पास, यहाँ पे हम लोगों ने फोटो सेशन के लिए रुके हैं। यहाँ पे आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा, चांगला बाबा मंदिर। चांगला बाबा मंदिर नाम आया है चांगला पास। दिस इज ऑल्टीट्यूड ऑफ 17688 फीट। अब यहाँ से हम लोग पैंगोंग के लिए जा रहे हैं। तो ये है थ्री इडियट्स वाला पुल, जहाँ पे वो लोग लास्ट के सीन में लेक मनाली या लेक में निकलते हैं, जहाँ पे वो टॉयलेट करता है, जहाँ पे जीप कंपास भी मेरे ख्याल से वो शूटिंग थी मैरून कलर की। हम पैंगोंग से 42 किलोमीटर पहले हैं। पूरे में पहाड़ और बीच में नदी और उसके साथ घास, और घास पे गोट्स, गोट्स गोट्स और वो शीप मिक्स्ड है मेरे ख्याल से, नहीं सिर्फ गोट्स है। और ये हमारी धन्नो।
मैसी घोड़ों को छेड़ने गया, वो भी इतना दूर। यहाँ पे पानी नहीं है भाई। मैं देख रहा हूँ ना पानी कहाँ कहाँ है तेरे लिए। चलो चले। देख यहाँ पे पानी है। ऐसे देखा जाता है जेसीबी की खुदाई। एक और है भाई साहब। ये भी जा रहे हैं देखने के लिए। पीछे से एक एक करके लोग आ रहे हैं देखने के लिए। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना, एक तो खुजली भी कर रहे हैं दूसरे का। ओह गॉड। Where are we right now? We are at Pangong So Lake and बहुत ज़्यादा थक गए and रास्ता कैसा था? मज़ेदार? Yeah, मज़ा आ गया। हम footage में इससे पहले वाले शॉट पे लगा रहे हैं, वो वाले शॉट्स। Yeah, नहीं अच्छा था रोड, just that डरावना था थोड़ा। हाँ, गाड़ी की बैंड बज गई। गाड़ी की तो बैंड बज गई, हमारी भी बैंड बज गई है जो हिल के। हाँ, हिल के प्लस जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड सिकनेस थी। हाँ, ऑल्टीट्यूड की वजह से पड़ी हमें बहुत ज़्यादा। मेडिसिन कौन सी? वी हैड पीसीएम का 650 mg एंड डोलमैक्स ऑल्टीट्यूड राइट। बाकी कैंप बहुत सुंदर है, थोड़ा लाल लाल ज़्यादा है। अच्छा है। यहाँ पे वॉशरूम है इनका सेपरेट, मतलब हर कैंप का एक अलग सेपरेट वॉशरूम दे रखा है। आई लाइक द व्यू। हाँ, बहुत सही व्यू है। सो व्यू इज लाइक प्रीटी मच गुड। ये हमारे मेसी भाई साहब बैठे हैं। ये टंग क्लीनर ही ढूंढ रहा है अभी तक, मनाली से ढूंढना शुरू हुआ है इसका टंग क्लीनर, अभी तक नहीं मिला इसको बेचारे को। नहीं है सर, कैसे साफ करता है। बाकी व्यू बहुत अच्छा है। हमारे साथ ग्रुप आया हुआ है साथ में, जो 13 कार्स का ग्रुप था, दे आर स्टेइंग विद अस राइट इन द सेकंड कैंप, दैट इज हेरिटेज कैंप।
So let's do some promotion as well. It's Wild Loggers.